हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी घर से निकला हूँ और आज बहुत सारे काम करने हैं। ऑफिस में एक रूम बना रहा हूँ, डिस्प्ले रूम, तो उसका सारा काम करना है और अपने ही हिसाब से करना है वो सब कुछ। तो मैं दिखाता हूँ आपको, कल हमने वुड की सीलिंग लगा ली थी, तो वहाँ चल जाके दिखाता हूँ कि अभी क्या काम चल रहा है। वो पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा इंटीरियर, मतलब मैं और भैया हम दोनों मिलके ही कर रहे हैं। सो आपको भी सब कुछ दिखाता रहूँगा कि कहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कैसे पूरा टीन शेड का रूम बना हुआ है उसका इंटीरियर करके उसको डिस्प्ले रूम और हमारे बैठने के लिए थोड़े सॉफ्टवेयर टीवी वगैरह लगाएंगे, तो पूरा दिखाऊंगा आपको कि कैसे लग गया है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सो अभी ऑफिस टाइम में तो थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है, अभी पुलिस अंकल खड़े हैं तो मैं रख देता हूँ इसको, नहीं तो पकड़ लेंगे। खैर उन्होंने नहीं पकड़ा, अच्छी बात है। अभी 2-5 दिन यही काम चलता रहेगा, रूम दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या कितना काम हो रहा है रोज। वैसे काम तो धीरे धीरे ही होता है, बट कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में निपटा पाए। दिवाली आ रही है ना, तो उससे पहले ये काम कर लेंगे। हाँ वैसे उससे तो काफ़ी दिन पहले हो जाएगी, दिवाली अभी काफ़ी दूर है, पर हाँ जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे गाइस। लड़ाई हो गई है, एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली। अब एक्सीडेंट के बाद ये फाइट अलग से करते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, देख सकते हैं वर्पर स्क्वायर मॉल के जस्ट सामने। ये है भैया का ऑफिस, तो चलते हैं अभी। तो गाइस ये सीलिंग लग गई है, देख सकते हैं आप, एक और लगना बाकी है यहाँ पे वुड का। और ये एक दीवार बन गई है, पहले ऐसे थी और अभी ऐसे, वो आवाज आ रही है उसकी तो क्लियर आ नहीं रही होगी आवाज। ये पूरा टीन शेड है, अभी ये सीमेंट शीटें लग के ऐसे हो गई है। इसके ऊपर कलर पुट्टी जो भी होना है वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। और ऊपर सीलिंग देख सकते हैं आप, पूरे वुड की लाइटिंग हो जाएगी यहाँ पे, बहुत लग्जरी रूम बनाएंगे। ये सारा फर्नीचर भी बना हुआ है यहाँ के लिए। सो कैसे क्या होता है सब कुछ दिखाता हूँ। ये लगा, ये सीमेंट शीट है, इससे क्या है कि वो ईंट सीमेंट की दीवार नहीं बनानी पड़ती है, ये इतनी मोटी होती है, ये स्क्रू से लग जाती है। और ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, वाह। सो गाइस आज देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है घर पे। ये मेरे भाई है जो मुझसे बड़े हैं काफी, ऐसे देखना पड़ता है इनको। और आज हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं राजबाग। और ये मेरी प्यारी सी आंटी है, नाम भी गुड्डी है, गुड्डी तो प्यारी होती है। तो आज चलते हैं राजबाग और वहाँ डिनर करते हैं, सब जने तैयार हो गए। ये मेरे अंकल, चाचा, पापा, और ये भी तैयार हो गया, और मेरी मम्मी भी तैयार, गुड। और लड्डू, वाह। शाम वही, काम वही, तेरे बिना ओ सनम। पहुंच गए गाइस, अभी सब जने वो आ गए ना, वो पार्क कर रहे गाड़ी। हाँ ले रहे, वाव। ओह माय गॉड, वाव गाइस, आप देख सकते हैं फतेह सागर लेक के बिल्कुल किनारे पे बनी हुई है ये होटल। बिल्कुल वार्म लाइट चल रही है, बिल्कुल कैंडल लाइट्स, और सब लोग आ गए।
और ये स्पेशल मेहमान भी आ गया, दिखाना इसकी शक्ल। फ्रेंच फ्राई खाएगा, खींची खाएगा फ्रेंच फ्राई। तो अंतु कैसा लग रहा है? एक साल बाद पीना कोलाडा पी के बहुत ही मस्त लग रहा है। लड्डू दूर रहे, हम सब होटल में आए हुए हैं। हाँ? और पूरा परिवार साथ में है, आप मिल मिल के रहो। पूरा परिवार नहीं है, आधा परिवार भी नहीं है। कोई थैंक्स, मेरा 5-10% का हिस्सा आया। बाकी सब अपने अपने घर पे हैं और सब साथ आने की उम्मीद भी नहीं है। सबको साथ आने के लिए अखाड़े में जाना पड़ेगा। हम तीनों निकल गए हैं क्योंकि हमारे युवराज सिंह जी थक गए। अच्छा नहीं लग रहा है ना बेटा आपको बात? सब लोग जा रहे फतेह सागर की कॉफी पीने के लिए और हम जा रहे हैं घर। क्यों बेटा, तेरे को फतेह सागर नहीं जाना है बेटा? मुन्नो नहीं जाना है, नहीं जाना है मेरे को। कोई बात। हाय गाइस, हाउ आर यू? बोलने वाला हूं, थोड़ा सा बड़ा होने दो मुझे, बस थोड़ा सा बड़ा होने दो। कैसे हैं आप सब? फतेह सागर का राउंड कटवा दूं क्या तुम लोगों को? चले बेटा। हां, एक राउंड काट लेते। चले what's left and I